हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। बहुत स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अच्छा प्रोग्रामर बने, कोडर बने, प्रोग्रामिंग अच्छा सा सीखे। लेकिन एक बात समझ लो कि आपको अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो पहले डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप करियर क्या करना चाहते हो। बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ करियर्स एज अ प्रोग्रामर। आपको वेब डेवलपर बनना है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है। अगर आपको मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है। अगर आपको गेम डेवलपर बनना है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है। अगर आपको विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलपर बनना है उसके लिए अलग है, क्लाउड के लिए अलग है, हर एक के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो इसीलिए पहले क्या करो कि मुझे प्रोग्रामर बनना है, ये मत सोचो। जैसे हम लोग किसी बस में बैठ जाते हैं ना, कैसे नहीं बैठते, किसी भी बस में जहाँ चलती है वहीं चले जाओ। अगर हमें पूना जाना है तो पूना की बस में बैठेंगे, बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे की बस में बैठेंगे। ऐसा है कि किसी भी बस में बैठ गए और वो बस जहाँ जाएगी वहाँ हम लोग जाएंगे, ऐसे नहीं है ना। तो अगर आपको प्रोग्रामर बनना है तो पहले ये डिसाइड करो किस फील्ड में या किस प्रोग्रामिंग साइड में आप जाना चाहते हैं। सबसे इजी प्रोग्रामिंग साइड है वेब डेवलपमेंट और सबसे डिफिकल्ट है क्लाउड डेवलपर। तो आपके हिसाब से आप पहले देखो, सर्च करो कि कौन सी लैंग्वेज या कौन सा प्लेटफॉर्म मुझे इजी रहेगा, मेरा इंटरेस्ट किस में है, ये खुद का इंटरेस्ट देखिए और उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कीजिए। Thank you. Thank you very much.